बताएं टेस्ट कैसा है। लें जी, आज हम बनाने जा रहे हैं पॉट बिरयानी। पॉट बिरयानी, पॉट बिरयानी। वैसे और तो ये मट्टी की हांडी में और तंदूर में बनती है, सही है, लेकिन हम लोग इसको चूल्हे पे और पॉट में बनाएंगे ताकि हमारे पास मट्टी की हांडी तो है, इजीली तैयार करेंगे जो हमारे पास है उसी में हम इसको। ओके ओके, ये चीज़ें सारी हमने जो है ना वो रख दी हैं शेल्फ पे। आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से बताना शुरू करें क्या क्या चीज़ें। ये हमने चावलों में डालना है, जो चावल हम बॉयल करेंगे। ओके, इसको अभी साइड पे कर देते हैं। नहीं चाहिए ये बीच में, नहीं ये अभी नहीं चाहिए ना। अच्छा, अभी हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। अच्छा अच्छा, स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप। ओके, इस पॉट के अंदर चिकन की मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले इसमें सबसे पहला स्टेप मैरिनेशन का है। सबसे पहले चिकन डाला, ठीक है। ओके, कितना क्वांटिटी, कितनी चिकन की? चिकन की क्वांटिटी 1 kg है। okay. पूरी 1 kg, 1 kg चिकन, 1 kg राइस। बिल्कुल सही। और ये 3 टमाटर है छोटे छोटे, इनको मैंने बिल्कुल जैसे हम चॉप करते हैं ना ऐसे करके। इनके आपने छिलके उतारे? नहीं, छिलकों से मैं चॉप किया। okay. ये इसमें डाल देने हमने। टमाटर डालने के बाद ये 2 प्याजों को ब्राउन करके रख लिया था, फुल ब्राउन करके उनको चॉप कर लिया था, मतलब हाथों से चूरा कर लिया था। ओके, अब इसको इसमें डाल देंगे। ये मैरिनेशन में डाल लेंगे, मैरिनेशन में डाल लेंगे। ये इसका न्यू स्टेप लग रहा है मुझे, आम बिरयानी में नहीं होता ऐसे। प्याज ब्राउन करके उसको चूरा करके इसमें डाल देंगे। मतलब जो पॉट बिरयानी है ये उसका एक एडिशनल है। बिल्कुल, एडिशनल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा, ये 2 टेबल स्पून है, ये हमने डाल दिया इसमें। ये हम इसमें नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, और ये थोड़ा सा जीरा और गर्म मसाला है, ये डालेंगे इसमें। अच्छा, जो लहसुन है 2 टेबल स्पून फॉर 1 kg चिकन, लहसुन और अदरक दोनों का पेस्ट, सही है। इसमें नमक और जीरा वगैरह आपकी वो चॉइस है, डालें। ओके ओके, उसके बाद इसमें जाएगी दही, दही आएगी, दही इसमें जाएगी 1 पाव, ये ज्यादा है तो मैं इसमें 1 पाव ही डालूंगी, ठीक है। 1 kg चिकन, 1 kg चावलों के लिए 1 पाव दही, ये 1 पाव जितनी दही है, ज्यादा नहीं डालनी है। 1 पाव दही, ये इमली का पानी बना के रखा हुआ था मैंने, थोड़ी सी इमली लेकर उसको पानी में डाल के और उसको ऐसे गुठलियाँ रिमूव कर दी, और ऐसे सही है, सही है, ये इसमें है। ओके, ठीक है। और ये 3 से 4 आलू बुखारे हैं, ये जाएंगे इसमें। ये 1 कप ऑयल है, सही है। मैं 1/3 डालूंगी, सही है। और 1/4 रख दूंगी उसके लिए, सॉरी 3/4 डालूंगी और 1/4 रख दूंगी एंड पे राइस पे डालने के लिए। ओके, ये ऑयल मतलब सादा ऑयल है? सादा ऑयल है, सही है। मैंने इसी में प्याज ब्राउन किया था वही ले लिया, लेकिन आप लोग सिंपल भी ले सकते हैं, सही। ये चला गया इसमें, 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा है, सही। ये बिरयानी मसाला है, ठीक है, 3 टेबल स्पून, सही। पूरा पैकेट यूज करना हो तो पूरा पैकेट भी कर सकते हैं, जो आम मसाला बाजार से मिलता है। ये 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है, इधर है, ठीक है, चिली फ्लेक्स, सही। ये 2 से 3 बिरयानी वाले, उनको बिरयानी वाले फूल भी कहते हैं, बादियान के फूल भी कहते हैं, वो डालें ताकि उसकी खुशबू अच्छी हो। खुश धनिया पाउडर, ठीक है, ठीक है, सही। अब ये सारी चीज़ें हम इकट्ठी डाल देंगे इसके अंदर। असल ये मसाला जाते हैं जो अब आपने डाले हैं, जिन्होंने बिरयानी को टेस्ट देना है ऐसे ही। जी बिल्कुल। अब इसमें हमने डालना है विनीगर, खुल नहीं रहा, ना डालो विनीगर, खुल रहा। इसमें 4 to 5 drops डालने हैं, यानी 1 टेबल स्पून डालने हैं, सही। ये वाला विनीगर कोई भी डालना है, नेशनल का जो भी हो, ठीक है। और ये लेमन्स हैं, इनको इनका जूस हम बाद में राइस के ऊपर छोड़ देंगे, अगर आपने इसमें डालना तो इसमें भी डाल सकते हैं, सही है। लेकिन ऑलरेडी हमने इमली डाली है तो खट्टा पहले हो चुका है, सही। अब इसको करेंगे हम सबको मैरिनेट कर देना। ओके, इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। इसकी मैरिनेशन हो चुकी है, हो चुकी है, ठीक है। ये थोड़े से ब्राउन प्याज हैं, ये हम बाद में गार्निश करेंगे जब हम इसमें चावल डाल के इनको दम पे रखेंगे उस वक्त, और उस वक्त इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा ये धनिया और सब्ज मिर्च, दोनों को बारीक बारीक काटा हुआ मैंने, ठीक है। ओके, अब ये 1/2 इसमें अभी चला जाएगा और 1/2 जाएगा जब इसको गार्निश करेंगे, सही। ये दोनों चीजें, सब्ज मिर्च और गार्निश, मतलब एंड पे जो आपने स्प्रिंकल करना है, सही। इस वक्त ये रेडी है, इसको हम कर देंगे मैरिनेट करके ढक के रख देंगे पूरे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम राइस बॉईल करेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ तरीका। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो चावल बॉईल करना है, तो हम चावलों के लिए खुला पानी ले लेंगे, 1 किलो चावल है उनके लिए, मतलब जितना भी आप पानी ले सकते हैं बड़े बर्तन में, 2 किलो 3 किलो जितना ले लें।
और आप बताएं उसमें ना कि 1 किलो चावल के लिए कितना पानी होना ये चाहिए। नॉर्मली सब खवातीन को पता होता है, कुकिंग करने वाले लोगों को पता होता है कि चावल जो है बॉयल करने के लिए, बिरयानी के चावल खुले पानी में बॉयल होते हैं, जितना भी आप लें ठीक है। अच्छा, वो और जो बाद में पानी डालना होता है तो वो सादा चावलों में होता है? सही है, सादा चावलों में होता है ना, पुलाव वगैरह में। सही है। इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक, सही है। मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं, और ये थोड़े से बिरयानी वाले फूल, 5 से 6 बिरयानी वाले फूल लेंगे, सही है। इनको बादियान के फूल भी कहते हैं, सही है। ये ग्रीन टी में भी यूज मसाले होते हैं, की कलियां भी कहते मसाले हैं। की कलियां भी कहते हैं, ग्रीन टी में भी यूज होते हैं, सही है। ग्रीन टी भी बनाएंगे किसी दिन। ओके। अच्छा, और ये हमने गर्म मसाला लिया थोड़ा सा, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं इस पानी में डाल दूंगी, सही है। ठीक है, नमक चलो पानी प्लेट के साथ लग गया। अच्छा, पानी में डाल दिया, ठीक है। ओके। उसके बाद इस पानी को रख देंगे चूल्हे पे बॉयल होने के लिए, और जब इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो चावल डाल देंगे। उन चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था, वो ये पड़े हैं, ये पड़े हैं, सही है। 1 घंटा पहले इनको भिगो के रखा था, इनकी शक्ल से भी लग रहा होगा 1 घंटा पहले। बिल्कुल ठीक है। ये ब्लैक ब्लैक मेरे हाथ से उतर गया कुछ। ओके ठीक है। नहीं, पानी जो है फुल बॉयल हो रहा है, बॉयल हो चुका है, और इसके अंदर हमने चावल डाल देने हैं। चावल डाल दीजिए कि जी सारे? हाँ जी, चावल सारे डाल दिए। ओके। इस पॉइंट पे ना इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। सही। ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था, कच्चा चिकन है ये, इसको सही पकाया नहीं है, जिस तरह मैरिनेट करके रखा था ये वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो वैसे ही मैरिनेट हुआ हुआ है, इसको पकाया नहीं है, कच्चा है, वैसे ही है जैसे हमने मैरिनेट करके रखा था। ओके। अब हम इसमें चावल डालेंगे जो हमने अभी डाल दिए पानी के अंदर। पहले उनको 5 सेकंड 6 सेकंड के लिए बॉईल करेंगे, और एक लेयर लगा देंगे छोटी सी। सही है, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट तक चावल तो काफी अच्छा, अभी जब डाल दिए हैं 1 मिनट डाले हुए हो जाएगा। हाँ जी। तो फिर आपने पहली लेयर लगा, पहली लेयर लगा, ठीक है, ये टेक्निकल बात है, ठीक है। अभी 1 मिनट नहीं हुआ इनको बॉयल होते हुए। इनको बॉयल होते हुए 1 मिनट हो गया, और ये बिल्कुल कच्चे हैं, यानी कि ये 95% पके हुए हैं। सही है। सॉरी, 95% कच्चे हैं, सिर्फ 5% पके हुए हैं। सही सही। मतलब पहली लेयर जो हमने लगानी है वो बहुत कच्चे चावलों की लगानी है। मतलब ज्यादा कच्चे चावलों के पहली लेयर। हाँ जी, पहली लेयर जो लगे, यही इसकी टेक्निक है। ज्यादा कच्चे चावल, फिर जैसे जैसे ऐसा ऐसा ऊपर लेयर आती जाएगी, चावल पकते जाएंगे, पानी में जो बॉयल हो रहे हैं वो होते रहेंगे वैसे। ओके ओके। अब ये हमने लेयर लगाई, इसकी अगली जो हम लेयर लगाएंगे वो थोड़े ज्यादा पके हुए होंगे चावल, ये बिल्कुल कच्चे हैं ना, वो थोड़े ज्यादा पके होंगे। अभी लेयर, पहली लेयर चल रही है, पहली लेयर चल रही है। सही। थोड़ा थोड़ा वक्फा देंगे, कितने मिनट का वक्फा देंगे? पहली लेयर हो चुकी है, उसके बाद 1 मिनट तक और पकाएंगे। फिर इन चावलों को हो गए 2 मिनट, ठीक है। अब ये थोड़े से और ज़्यादा पक चुके हैं। सही है। अब दूसरी लेयर लगा रहे हैं हम, पहले वाले 95% कच्चे थे, ये 80% कच्चे हैं। सही है। देखिए थोड़े से बड़े भी लग रहे हैं ना उससे। और सबसे ऊपर वाली जो लेयर लगाएंगे उसमें सिर्फ जो एक कनी वाला चावल होता है ना वो डालेंगे। सही। टोटल 3 लेयर्स लगानी है। 3 लेयर्स लगानी है, पहली बिल्कुल मतलब ज्यादा कच्ची, फिर थोड़ी कम कच्ची, और एंड वाली जो होगी वो पक्की। क्योंकि अभी जब नीचे चिकन को दम पे रखेंगे और ये पकेगा तो चिकन का अपना पानी भी तो होता है ना, उसकी भाप से ये चावल पकेंगे। सही। बस अब लास्ट लेयर आ गई है, दूसरी लेयर कंप्लीट है। दूसरी लेयर कंप्लीट है। लास्ट लेयर के लिए जो चावल थे वो मैंने सारे अब इसमें निकाल लिए टोकरी में पानी से, ताकि इजीली इस पर लेयर लग जाए। अब ये सारे चावल हमने इस पर डाल देंगे। ये चावल 70% पके, 70% कच्चे हैं, कच्चे हैं। सही है। 30% पके हैं, 30% पके हैं। ओके सही। अब इनको ऐसे करके इसके ऊपर लगेगी ये फ्राइड ऑनियन की लेयर। सही। जो हमने रखे हुए थे फ्राइड ऑनियंस, ठीक है, इनकी लेयर लगेगी। ये जो हमने पुदीना और धनिया और सब्ज मिर्च रखी थी ये लगेगी।
पुदीना मेरे पास है नहीं, वरना पुदीना भी डाल देती मैं। वो भी जरूरी है डालना? वो भी डाल सकते हैं अगर डालना हो, मतलब किसी को उसकी खुशबू पसंद हो तो। मेरे पास ड्राई पाउडर, ट्राई करती हूँ ड्राई डालने की। ये ऑयल जो हमने रखा था, बचाया था थोड़ा सा ऊपर से डालने के लिए, ये डालेंगे। लगती है हमें, चले ये सारा घी इसके ऊपर आ जाएगा। सही कप में जो हमने बचाया था वही आएगी। सही। और उसके बाद ये आ जाएगी बिरयानी फूड कलर की टॉपिंग, इसको जर्दा कलर भी कहते हैं, जर्दा रंग। हाँ जर्दा रंग, ठीक है। अब ये आ गया, उसके बाद अगर लेमन डालना चाहें तो डाल लें, वरना मतलब ना डालें। मैं तो थोड़ा सा डालूंगी। अब ये फाइनल है, अब ये फाइनल है। चूल्हे पे चढ़ने के लिए है, चूल्हे पे पहले इसको 5 मिनट के लिए हमें रखना है थोड़ी सी तेज आंच पे। सही है। उसके बाद हमने इसको रखना है बिल्कुल दम वाली आंच पे। सही। और उसके बाद हम इसको 15 से 20 मिनट का दम देंगे, उसके बाद हल्का सा हिलाएंगे, उस वक्त दिखाएंगे। चले आप बंद। मीडियम आँच पर पड़े हुए बिरयानी को 15 मिनट हो गए हैं, और इसका यहाँ से पता चल रहा है कि चावल भी राइज हो चुके हैं। और हमने इसको बस चम्मच से चेक करना है कि चिकन के अंदर अभी पानी है या नहीं है, हमें अंदाज़ा हो जाएगा। सही। और फिर दोबारा से हमने इसको दम दे देना है। अभी राइस भी थोड़े थोड़े कच्चे हैं तो हमें इससे अंदाज़ा हो जाएगा। चलो क्या सीन है नीचे से? अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, इसको भी 15 से 20 मिनट के लिए दम पर हिलाना नहीं है, बस सिर्फ चेक ही करना, सिर्फ लाइट आंच पर हम इसको दम देंगे। इसको चारों तरफ से हल्का हल्का हिलाना है, बस ऐसे चेंज नहीं करना, सिर्फ हिलाना है। सही सही। खुशबू आ रही है, खुशबू की वजह से ना शदीद भूख लग गई है। कितने मिनट और ले रही हो? बस 10 मिनट, जल्दी कर लो बस। अब इसको 10 मिनट का दम दोबारा, 15 मिनट मीडियम आंच पे हमने इसको दम पे रखा था, और फिर 15 मिनट हमने हल्की आंच पे रखा, और अब ये बिल्कुल रेडी हैं। और अब हम इनको ऐसे करके दिखाते हैं, देखें सारे चावल पक चुके हैं, और अकेले अकेले हैं, बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। और ये हमारा चिकन है, देखें कितना सॉफ्ट है बिल्कुल। मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ, हम इसको डिश आउट करेंगे ना, इसको तोड़ के दिखाएंगे। अभी सिर्फ हम मिक्स कर लें। चावल देखें आप कितने क्लियर हैं, ये देखें अकेले अकेले चावल हैं। अकेले अकेले क्यों, नाराज हैं दूसरे से? जो जुड़े जुड़े होते हैं वो तो आप लोगों को भी पसंद नहीं आते। और ये भी नहीं कि नीचे पानी है या कुछ, ये देखें चिकन बिल्कुल पक चुका है। जल्दी प्लेट्स में डालो, बहुत भूख लगी है। मैं खुशबू आ रही है ना, ये अरोमा ऊपर को आ रहा है। चल मैं इसको डिश आउट करती हूँ ना, प्लेट में निकाल के देती हूँ, आप इसके चिकन तोड़ के दिखाएं कि वो कैसे पका हुआ। बिल्कुल चल मैं इसको फिलहाल बंद कर दी। चलें जी, अब आप टेस्ट करके बताएं कैसी बनी है, और वीडियो में बना दें। रेडी, पहले एक मिनट इसको दिखाएं। चिकन तो तोड़ के दिखाएं ना, चिकन तोड़े, ये बढ़िया बॉडी। गरम है चिकन है जी, 16 मेगापिक्सल तो गरम बोल रहे हैं। चम्मच से तोड़ लें यार, ये मटन तोड़ते हैं, चिकन के तोड़ना चम्मच से तोड़ लेना। कितने मेगापिक्सल कैमरा? 16 डुअल पिक्सल दे मैं तोड़ूं। 16 मेगापिक्सल डुअल पिक्सल का मतलब है 55 मेगापिक्सल इक्वल। हमने दिखाना है कि चिकन पक चुका है जी, बिल्कुल। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए आप कि गर्म होता है, बिल्कुल पक चुका है, टोटली तौर पे सॉफ्ट है, जूसी है, और चिकन में से ज़रा भी चिकन की स्मेल नहीं है। आपको बस यही देखना होता है कि चिकन में स्मेल है या नहीं है। चले अब ये बाकी प्लेट्स इनकी हैं, वो भी आ जाएं। भैया आपने मेरे से टेस्ट का नहीं पूछा। ओ टेस्ट कैसा? हाँ जी ऐसे बताएं ना, बताएं टेस्ट कैसा है। थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल जो बिरयानी है उससे, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ज्यादा अच्छा है या वो ज्यादा अच्छा? नहीं वो ज्यादा अच्छा, तो मुझे तो वो